मैं लेख राज रावत आज एक और ऐसा देसी जुगाड़ लेकर आया हूँ जो कि आपने कभी किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं देखा होगा कि ऐसा जुगाड़ जो कि ना तो लाइट से चलता है, ना पेट्रोल से और ना डीजल से। तो उस जुगाड़ के बारे में हम आपको बताएंगे कि वो जुगाड़ किसके काम में आने वाला है और अपने किसान साथियों को वो हर समय तैयार रखना चाहिए, क्योंकि जब भी अपने को 6 महीने 12 महीने जैसे फसल तैयार होती है, कोई सी भी फसल हो, अपन उसके बारे में बात करेंगे कि इसमें इस जुगाड़ से कौन कौन सी फसल क्या क्या काम में आती है। किसान साथियों, आप देख सकते हो वो ये देसी जुगाड़ है जो आपके सामने है, ये आप देख सकते हो, जो कि ये अब आपको बताएंगे कि ये किस प्रकार से काम करता है और किस प्रकार से बनाया गया है और इसमें कितना खर्चा आया है वो भी दिखाएंगे आपको, और ये किस प्रकार से ये काम करता है तो ये आपको दिखाएंगे। साथियों, इस जुगाड़ को बनाने के लिए एक पुरानी टंकी लेनी है अपने को, जो कि पुरानी टंकी मात्र 500 रुपये में उपलब्ध हो जाती है। पुरानी टंकी लेने के बाद उसको कुछ इस प्रकार से अपन कटिंग कर लेंगे, ये आप देख सकते हो जो कटिंग कर रखी है हमने, और एक जो अपने जो इसका जो ढक्कन होता है, ढक्कन का एक ही कुंदा फिट कर लेंगे, आप देख सकते हो ये कुंदा कुछ इस प्रकार से कब्जे लगा के इसको फिट करना है, ये आप देख सकते हो। एक लेनी है किसान साथियों अपने को, एक रोड लेनी है जो कि आप देख ही रहो इसको अंदर से, ये आपको रोड दिखा रहे हैं, ये रोड लेनी है। दूसरा लेना है इसके लिए एक मोटी सी एंगल लेनी है जिसको अपने को कुछ इस प्रकार से फ्रेम के टाइप में फिट करवाना है, जो वेल्डिंग की दुकान पे बड़ी ही आसानी से फिट हो जाती है, ये आप देख सकते हैं। दूसरा, इसके लिए दो बेयरिंग की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि एक बेयरिंग इस जगह पर लगाया जाएगा और दूसरा बेयरिंग इस जगह पर लगाया जाएगा, ये आप देख सकते हो। दोनों तरफ इसमें बेयरिंग फिट कर लेंगे, दोनों तरफ बेयरिंग फिट करने के बाद इस जुगाड़ को कुछ इस फ्रेम के ऊपर इस प्रकार से फिट कर लेंगे ताकि ये बहुत ही आसानी से काम करने लग जाए, ये आप देख सकते हो। और दूसरा किसान साथी, जो कि इसको घुमाने के लिए जो अपन ने जो लाइट की आवश्यकता हो, अगर लाइट का सिस्टम करना चाहते हो तो वो भी हो सकता है, लेकिन हमने इसमें लाइट का सिस्टम नहीं किया है, क्योंकि अक्सर किसान साथियों के जैसे कुएँ पर हो या खेत पर हो, किसी भी जगह इसको ले जाके अपन काम में लेते हैं, हर जगह लाइट नहीं होती है और कोई टाइम लाइट होती, क्योंकि किसानों को लाइट रात में दी जाती है, दिन में नहीं दी जाती। तो अब दूसरा, इसको देख सकते हो ये जो जो अंदर रोड लगी हुई थी वो रोड यहाँ तक इतनी लंबी बाहर निकालनी है, इसमें दोनों तरफ बेयरिंग फिट करने हैं, एक उस तरफ एक इस तरफ। उसके बाद इसके लिए जो घुमाने के लिए अपन जो ये पेंडल की टाइप में बनाया है, अपन इसकी जगह दूसरा भी यूज़ में ले सकते हैं, अगर कोई अच्छा बेयरिंग लगा के भी ले सकते हैं, लेकिन हमने ये उसको देसी जुगाड़ बनाया, यानी नॉर्मली कम खर्चे का जुगाड़ है ये। दूसरा, इसको रोकने के लिए हल्का फुल्का ब्रेक लगाया हमने, इसके अंदर यहाँ रबड़ फिट करना बाकी है अभी कुछ इस प्रकार से, ये आप देख सकते हो, ये देखिए ये दोनों बोल्ट है, दोनों बोल्ट के अंदर एक रबड़ फिट कर देंगे अपन, टायर की रबड़ होती है तो उससे क्या है कि इसका ब्रेक लग जाएगा कुछ इस प्रकार से, ये घूम चलती हुई रोक सकते हो, ये ऐसे रुक जाएगा। इसमें रबड़ फिट करना भी बाकी है, हमने ये जुगाड़ बनाया है और मात्र ये 1800 रुपये के अंदर ये कंप्लीट हो गया है अपना। हाँ तो किसान साथियों, बात करते हैं इस जुगाड़ की। ये जुगाड़ जो हमने खास तौर से हमने गाजर धोने के लिए बनाया, क्योंकि किसान साथियों के पास, छोटे किसानों के पास में कोई बड़ी इलेक्ट्रिक मशीन नहीं होती, इसीलिए हमने ये जुगाड़ गाजर धोने के लिए बनाया है। दूसरा, इसके अंदर अपन जैसे आलू है मिट्टी के अंदर होता है तो उसको भी अपन साफ़ कर सकते हैं इसके अंदर डाल के, और जैसे शकरकंद है तो उसको भी साफ़ कर सकते हैं। तो किसान साथियों, खास तौर से तो ये गाजर धोने के लिए बनाया है, तो हम आपको इसके अंदर गाजर धो के बताते हैं कि गाजर साफ़ होती है या नहीं होती है। तो दूसरा, ये जुगाड़ को अभी हम चला के दिखाएंगे और किस प्रकार से ये काम करेगा अब आपके सामने है। अब आप देख सकते हो इसके अंदर हमने गाजर डाल दिए, डालने के बाद अब इसको लगा देंगे अपन ढक्कन, ढक्कन लगाने के बाद इसको अच्छे से फिट कर देंगे और इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ लगा देंगे ताकि ये लॉक खुले नहीं। हाँ तो किसान साथियों, मैंने इसमें गाजर डाल दिए, गाजर डालने के बाद इसको 10 से 15 मिनट अपन घुमाएंगे, घुमाने के बाद इसके अंदर अपन देखेंगे कि गाजर घिसी है या साफ़ हुई है या नहीं हुई है। तो अब इसको घुमाना स्टार्ट करते हैं अपन। चेक करेंगे कि ये जुगाड़ अपना काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि मात्र 1800 रुपये का जुगाड़ है और जुगाड़ है आपको देखने गरम पड़ेगा। तो किसान साथियों, आप देख सकते हो ये गाजर हमने घिस लिए 10 से 15 मिनट चलाने के बाद में,
अब अपन इसके अंदर पानी डालेंगे, पानी डाल के इसको साफ़ करेंगे। साफ़ करने के बाद में आपको दिखाएंगे कि इस जुगाड़ के अंदर गाजर किस प्रकार से साफ़ हुई है, क्योंकि ये जुगाड़ ना तो पेट्रोल से चलता है ना डीजल से चलता है, ये किसान अपने हाथ से चलाएगा खुद, और ना लाइट का जुगाड़ है। आप देख सकते हो मात्र देसी जुगाड़ है, जो कि अपन किसान साथी खेत के अंदर किसी भी जगह पर ले जाके अपनी गाजर घिस सकते हैं। तो अब आपको पानी डालते हैं, उसके बाद दिखाते हैं कि गाजर किस प्रकार से साफ़ हुई है। हाँ तो किसान साथियों, आप देख सकते हो हमने गाजर अच्छे से घिस लिए, यानी इसको साफ़ पानी से हमने साफ़ कर लिए। अब आप देख सकते हो ये मार्केट में जाने के लिए तैयार है, इसका पैकेट बनाएंगे और मार्केट में सेल करेंगे। तो किसान साथियों, मेरा जुगाड़ आपको कैसा लगा? अगर मेरा जुगाड़ आपको पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय जवान जय किसान।